आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो गाइस, अ क्वेश्चन हियर इज, हमें गिवन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो कि हमें रिएक्शन एट 1200 डिग्री सेल्सियस पे अकर हो रहे हैं, ठीक है। हमें फॉलोइंग रिएक्शन दे रखी है। सबसे पहली रिएक्शन हम कंसीडर करें जो कि दे रखी है, कार्बन हमारा गैसेस फॉर्म में है, वो CO2 के साथ गैसेस फॉर्म में रिएक्ट कर हमारे 2 moles कार्बन मोनोऑक्साइड के दे रहा है, ठीक है। और इसकी मुझे KP वैल्यू, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एट पार्शियल प्रेशर दे रखी है 1.47 × 10³, ठीक है। अब सेकेंड रिएक्शन हम देखें जिसमें हमारा CO गैसियस फॉर्म में 0.5 moles ऑफ O2 से कंबाइन कर रहा है गैसियस फॉर्म में और फॉर्मेशन दे रहा है COCl2 की, ठीक है, ये भी कैसा है, गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पे जो Kp2 की वैल्यू मुझे गिवन है, दैट इज 2 × 10⁶। और जो हमारी रिक्वायर्ड रिएक्शन है वो देखें, जो फाइनल रिएक्शन आ रही है उसमें कार्बन 1 mole है, CO2 1 mole है, ऑक्सीजन का भी 1 mole है, और वो फॉलोइंग रिएक्शन दे रहा है जिसमें 2 moles किसके हैं, COCl2 के। तो यहाँ पे हम रिएक्शन देखें, कार्बन का 1 mole, CO2 का 1 mole, ठीक है। और अगर इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड करें तो 2 moles CO और CO के कट जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फाइनल रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड तो प्रेजेंट नहीं है। तो मुझे इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगी 2CO गैसियस फॉर्म प्लस 0.5 mole, जब 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो 1 mole बचेगा, ऑक्सीजन 1 mole, और 2 moles किसके हमारे, COCl2 के, जो कि हमारी फॉस्फीन गैस है, ठीक है। अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद, इक्वेशन 3। तो यहाँ पे अब 1 और 3 को ऐड करें तो देखें इक्वेशन कैसे बन रही है हमारी, कार्बन CO2, ठीक है, इसको और इसको ऐड किया तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट साइड पे और रिएक्टेंट साइड पे ये वाला मोल इससे पूरा कट जाएगा। तो 2 moles कार्बन मोनोऑक्साइड के कटने के बाद हमारा रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ क्या बचा, 1 mole ऑक्सीजन का, और प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ क्या बच रहा है, फॉर्मेशन हो रही है फॉस्फीन गैस की, वो भी 2 moles की, ठीक है। तो ये फाइनल रिएक्शन है। तो यहाँ पे जब मैंने इस फाइनल रिएक्शन को लिखा तो इस टाइम पर मेरे केपी में क्या चेंज आएगा, मुझे इंडिविजुअल दोनों के केपी गिवन थे, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन थे, तो पहली का तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमने इसमें कोई भी मोल्स को मल्टीप्लाई नहीं किया, एज इट इज एड ऑन किया है। पर सेकेंड इक्वेशन में हमने 2 moles से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड कट सके और 2 moles फॉस्फीन गैस के मिल सके। तो यहाँ पे जब मैं ऐसी सिचुएशन में पूरी इक्वेशन को जितने मोल से मल्टीप्लाई कर रही हूँ उतने मोल्स हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चले जाते हैं, उतने टाइम्स वो इंक्रीज हो जाता है। तो अब जो हमारा Kp2 था वो Kp2- बनकर क्या बन जाएगा, 2 × 10⁶, और इसका 2 moles से मल्टीप्लाई किया है तो पावर में भी कितना हो जाएगा, 2 moles। तो फाइनली आ जाएगा 4 × 10⁶ × 2, कितना हो जाएगा, 12। अब ये वाले जो दोनों आया है मेरे, एक तो Kp1 और एक न्यू Kp2-, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जो न्यू Kp है इस फाइनल रिएक्शन का मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को अप्रोच करेंगे, यहाँ पे Kp1 × new Kp2- को मल्टीप्लाई किया तो Kp1 की वैल्यू कितनी थी, 1.47 × 10³, और Kp2- की आई है 4 × 10⁰, ठीक है। तो यहाँ पे 1.47 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 5.8 के बराबर, और यहाँ पे 10 और 10 दोनों बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो 3 + 12 कितनी हो जाएगी, 15। तो मेरी Kp की वैल्यू फाइनल इक्वेशन के लिए आ जाएगी 5.8 × 10⁰, क्लियर। अब हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, तो ऑप्शन जो मैच कर रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, जिसमें हमारा Kp की फॉर फाइनल रिएक्शन 5.8 × 10⁵ वैल्यू आ रही है।
क्लियर? आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।